यूपी के जनपद बहराइच में ग्रामीणों ने छुट्टा जानवर को किया विद्यालय में कैद। बताते चले मामला ग्राम पंचायत कोड़ा के अंतर्गत आता है, जिसमें अन्य ग्राम पंचायत भी आते हैं। नौसरा, कोड़ारी, नयापुर, उमरिया, परसरपुर आदि गाँव के लोगों ने छुट्टा जानवरों को कोटरी प्राथमिक विद्यालय में जानवरों को घेर कर बंद। क्या नाम है आपका? राम शंकर सिंह सनाथी योगेंद्र। आज आप लोगों ने विद्यालय परिसर में कुछ छुट्टा जानवरों को घेर करके बंद किया है, क्या कारण है? ये सर चार साल करीब करीब चार पाँच साल से ये छुट्टा जानवर हमारे यहाँ चल रहे हैं, जिनकी कोई न शासन से न प्रशासन से न हमारे ग्राम सभा से कोई सहयोग नहीं, ना इनको बांधने की कोई प्रक्रिया है। 4 जून 2018 से आदेश है कि गौशाला बनाई जाए, आज तक कोई गौशाला नहीं बनाई गई है। प्रधान हमारे यहाँ स्थानीय राजनीति करते हैं, कोई कहता है पाप लगेगा, कोई कुछ कहता है। हमारा करीब करीब केवल व्यक्तिगत मेरा 7.5 एकड़ गन्ना हमारा चल गया है, जिसमें कोई जमा पूंजी भी नहीं हमारी वापस आ रही है। और सारे ग्रामीणों का हमारा ट्रस्ट है यहाँ का, परसपुर और उमरिया और नौशहरा का लोग, गोरेरी के हैं लोग, ये तब आज जाके हम लोगों ने ऐसा निर्णय किया है हम लोगों ने। अब ये शासन का काम है कि गौशाला कहाँ बनाती है, क्या करती है, इससे हमसे कोई हमारा मतलब है कि ये जानवर हटाए जाए, गौशाला बनाई जाए या कहीं ये जानवर लेकर जाए, सिर्फ जानवर नहीं है, न कोई खर्च होने के लिए तैयार है यहाँ। अभी तक पूरा मतलब आधा जून करीब करीब होने जुलाई होने जा रहा है, कोई गुहाई नहीं हुई है, केवल जानवरों के द्वारा नुकसान के दर्द। सर आज आपके विद्यालय में कुछ छुट्टा जानवर ग्रामीणों द्वारा घेर करके अंदर कर दिया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना, क्या रिएक्शन है? मैं प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय कोरवी, मैं समय से विद्यालय खोल कर पढ़ाई कर रहा था, अचानक ग्रामवासियों ने स्कूल परिसर में छुट्टा जानवरों को घेर कर गेट बंद कर दिया, जिससे शिक्षा कार्य प्रभावित हो रहा है।